हे गाइस, कैसे हैं आप सब। आज का जो प्रोसेस है हमारा, कपलिंग को हीट करना और मोटर या गियर बॉक्स में उसको फिट करना। तो कैसे कपलिंग को हीट किया जाता है, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि कपलिंग को हीट करने से पहले कितने टाइप का प्रोसेस होता है। तो पहला हमारा एलपीजी से होता है, एलपीजी और ये हमारा हीटिंग टॉर्च है, इसके माध्यम से हम करते हैं। दूसरा हमारा है इलेक्ट्रिकल कॉपर से। तीसरा हमारा सिंथेटिक 68 ऑयल से यूज़ करते हैं, ऑयल से भी हीटिंग होता है। कोई भी तरह का ऑयल हीट कर सकते हैं, बट बेटर ऑप्शन है कि आप सिंथेटिक 68 ऑयल ही यूज़ करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रोसेस को, कपलिंग को कैसे हीट करना है। ये हमारा देख सकते हैं हमारा कपलिंग है, और चलते हैं स्टार्ट करते हैं। ये हमारा मोटर हो गया, और जो लोकेशन है वेगल लोडिंग में हूँ अभी मैं। यहाँ पे आप जो है कन्वेयर है, इसी कन्वेयर का मोटर और दोस्तों ये है इंफ्रारेड थर्मामीटर, इसे आप कपलिंग का टेम्परेचर नापने के लिए यूज़ कर सकते हैं। बस इसे कपलिंग के आगे रखना है और ट्रिगर को दबाना है, जिससे कि आप देख सकते हैं इसका टेम्परेचर कितना है। तो दोस्तों ये है कपलिंग हीटिंग प्रोसेस, जहाँ कपलिंग को हीट किया जा रहा है एलपीजी की मदद से, इस टॉर्च से। और इसमें पहले से ही कुछ तार को बांध देना है, ताकि इसको उठाने में आसानी हो और अच्छे से हम लोग इसको उठा सकते हैं। उसके बाद इसका टेम्परेचर चेक कर लेना है, और टेम्परेचर चेक करने के बाद इसको फिर से उठाकर मोटर के शाफ्ट के पास ले जाना है, और अपने हाथों में अच्छे से ग्लव्स पहन के इसको अच्छे से पकड़ के इसको शाफ्ट की तरफ धीरे से पुश करना है। और उसके बाद फिर हमें राइट एंगल की मदद से चेक करना है कि ये बराबर है या नहीं, पैरेलल है या नहीं, अच्छे से इसको चेक भी करना है। और इसके शाफ्ट पे थोड़ा सा ऑयल भी पहले लगा लेना है, ताकि ये अच्छे से फ्लोटिंग हो, इसके अंदर जाए, कहीं पे फंसे ना। उसके बाद ये देखिए राइट एंगल से अच्छे से चेक कर लेना है, ताकि ज़्यादा इधर उधर ना हुआ हो। अच्छे से इसको चेक करके उसके बाद इसको छोड़ देना है। एक भीगे कपड़े से शाफ्ट को अच्छे से कवर कर देना है, और उसके बाद उस पर हल्का हल्का सा पानी डालता रहना है, जिससे कि ये शाफ्ट ज़्यादा हीट ना हो। और कुछ देर तक ऐसे ही पाइप की मदद से कपड़ों पे पानी डालते रहें, ताकि ये शाफ्ट ज़्यादा हीट ना हो। और इस प्रोसेस को कुछ देर तक चलते रहने दें, जब तक कि कपलिंग का टेम्परेचर नॉर्मल ना हो जाए। और ये है हमारा गियर कपलिंग, जो कि अभी हीट किया जा रहा है, और ये गियर बॉक्स में लगने वाला है, गियर बॉक्स टू पुली में जो लगने वाला है। और अब हम इसका टेम्परेचर चेक कर लेते हैं, जो कि 200 से 250 अराउंड होना चाहिए। अब हमारा कपलिंग हीट हो चुका है, आइए अब इसे ले चलते हैं गियर बॉक्स की शाफ्ट पे लगाने के लिए, और इसे अच्छे से केयर करके लेके जाएं, और तार जो बांधते हैं उसमें उसको बिल्कुल ही अच्छे से बांधें, ताकि वो स्लिप ना हो, ये कहीं गिरे ना। और इसे अच्छे से लगाएं, और शाफ्ट पे पहले से ही ऑयल डाल दें, ताकि ये अच्छे से फ्लोटिंग हो इसमें, और ये अच्छे से जाए, उसमें बीच में फंसे ना या रुकावट ना आए। अब इस पर राइट एंगल रख कर अच्छे से चेक कर लेना है ये पैरेलल है या नहीं है। और अब हम फिर से इस पर पानी और कपड़ा डालते हैं, ताकि इसका शाफ्ट हीट ना हो। और ध्यान रहे, पानी थोड़ा सा भी कपलिंग पे नहीं जाना चाहिए, नहीं तो इससे क्रैक आ जाता है कपलिंग में। तो कपलिंग ठंडा होने तक इस प्रोसेस को कंटिन्यू रखें। तो हमारा जो कपलिंग का काम था हीटिंग का, वो कम्प्लीट हो चुका है, और मोटर और गियर बॉक्स में कपलिंग जो लग चुकी है। तो गाइस, इसके बाद हमारा जो काम है, ये अपना हेड पुली है, और ये देख सकते हैं इसका जो मेन ड्राइव है, और ये फ्रेम है, इसी पे पहले इससे गियर बॉक्स कनेक्ट होगा, और गियर बॉक्स से मोटर कनेक्ट होगा। तो इसका अलाइनमेंट हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं, बाय बाय।